खबरें विस्तार से वो बात करते हैं जीरण पुलिस की। जीरण पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बनाते पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पांचों पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की फिराक में थे। उससे पहले जीरण पुलिस ने यह कार्रवाई की। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में जीरण पुलिस में बड़ी सफलता मिली। इस टीम द्वारा थाना प्रभारी जीरण निरीक्षक योगेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में नीमच हाईवे फोर लाइन रोड पर स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना जीरन में 19 अगस्त को मुखबिर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि पांच व्यक्ति मऊ नीमच हाईवे फोर लाइन रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए जीरन थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा अलग अलग तीन टीमें गठित कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान एचपी पेट्रोल पंप के पास ही कुछ दूरी पर पांच व्यक्ति बैठकर एचपी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जिन्हें दबिश देकर पकड़ा गया। पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए आरोपी राहुल पिता रामेश्वर बाछड़ा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सकराना, गोविंद पिता मांगीलाल बावरी निवासी ग्राम खोकरा, दुले सिंह पिता बाबरू बावरी निवासी ग्राम रूपी, नीलेश उर्फ लिल्या पिता हीरालाल बाछड़ा निवासी सकर ग्राम, मोनू पिता संजय निवासी ग्राम सकराना को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, मैं एक जिंदा कारतूस, दो बटनदार छुरी, एक तलवार, एक डंडा कील लगा हुआ जब्त किया है। उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक आर सी खंडेलवाल, सह उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह विसेन, सह उप निरीक्षक नानूराम सिसोदिया, प्रधान आरक्षक प्रकाश सिन्नम, प्रधान आरक्षक प्रणव तिवारी, आरक्षक श्रीपाल सिंह, आरक्षक धर्मेंद्र सिंह, आरक्षक राजेंद्र सिंह, आरक्षक रामलाल पाटीदार, आरक्षक विवेक धनगर, आरक्षक विक्रम धनगर एवं प्र आरक्षक चालक मनोहर बैरागी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये रात्रि में टीआई जीरन श्री योगेंद्र सिंह सिसोदिया को सूचना मिली थी कि भौरासा पेट्रोल पंप के पास कुछ लोग पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं। तत्काल उनके द्वारा अपनी टीम के साथ इसकी योजना बनाई गई, पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया, फिर उनके दिशा निर्देश के अनुसार फिर वहाँ पर दबिश देकर पांच लोगों को पकड़ा है, जिसमें राहुल बाछड़ा सगर ग्राम का रहने वाला है, इसके बाद गोविंद बावरी पिपलिया मंडी का है, दुले सिंह बावरी ये मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र ग्राम रूपी का है, और नीलेश और मोनू बाछड़ा ये सगर ग्राम के हैं। इसमें गोविंद के ऊपर एक दर्जन से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं और इनकी जो है योजना को वो कर दिया गया है, योजना इनकी फेल कर दी गई है पुलिस द्वारा। इनके दबिश में, इनकी तलाशी में एक देसी पिस्टल, एक कारतूस, दो खटकेदार छुरे और काफ़ी लंबे, और दूसरा एक तलवार ये जब्त की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, जिससे कि अन्य चोरी लूट डकैती की वारदातों के बारे में पूछताछ की जाएगी और इसका विवेचना की जाएगी।